हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। और आज के इस वीडियो में टाइटंस टीवी सीरीज के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 5 इनसाइड मैन की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत ब्लड मून को दिखा के की जाती है, और जहां कार्ल लोगर स्टार लैब के छत पे खड़े होकर उसे देख रहा होता है, वही रेचल और सेबेस्टियन एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। और सेबेस्टियन उसे एक ऐसे सपने का जिक्र करता है जिसमें वो एक खाली ट्रेन में बैठकर एक ऐसी अंधेरी गुफा से गुजरने लगता है जिसका कोई भी अंत नहीं है। और जब वो अंधेरे से घबराकर या चीखते हुए अपनी माँ को पुकारता है तो उसकी माँ उसकी पुकार को नहीं सुनती है, और ना ही कोई और भी उसकी आवाज को सुनता है। और वो उसे समझाते हुए बताता है कि वो उस सपने में इतना ज्यादा अकेला महसूस कर रहा होता है कि उसके सपने से बाहर आने के बाद उसका वो अकेलापन कभी भी खत्म नहीं होता है। तो रेचल उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो जानती है कि वो कैसा महसूस करता है, और भले ही उसके सपने में उसकी कोई च्वाइस नहीं हो लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी चुन सकता है। तो सेबेस्टियन उसे समझाता है कि उसे मालूम नहीं कि वो कौन है, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी इस सोच में गुजारी कि वो कुछ नहीं है, या हो सकता है कि वो उससे भी बुरा है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो एक साबित। तो रेचल उसे जवाब देती है कि वो भी ट्राइगोन की बेटी है, लेकिन उसने अपनी मर्जी से एक टाइटन बनना चुना है, और अब उसके पास भी उसी की तरह ही एक च्वाइस है, और उसे पूरा विश्वास है कि वो सही फैसला लेगा क्योंकि आखिरकार वो उसका बड़ा भाई है। तो बेसिकली यहाँ पर रेचल अपने भाई को ये समझाने की कोशिश कर रही होती है कि जिस तरह से उसने अपने पिता ट्राइगोन को छोड़कर या उसे इस दुनिया से बाहर कर एक टाइटन बनना चुना था, उसी तरह से वो अपनी माँ का साथ ना देकर अपनी एक अलग मंजिल को चुन सकता है। और फिर कैमरा का फोकस वहाँ से मूव होते मेन हेड सेंटर में पहुंच जाता है, जहाँ पर टीम ऑफ ब्रेंडर उनको वॉच करते ब्लड मून के खत्म होने का इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कॉनर की हालत अभी भी जॉम्बी डेथस्ट्रोक के हमले की वजह से या मदर मेम के हमले की वजह से ठीक नहीं है। और इधर जब मदर एजारा टेम्पल में काम कर रही होती, जीना और उसके साथ ही एक ऐसे आदमी को पकड़ के ले आते हैं जो कि ब्रदर ब्लड के ना पहुंचने की वजह से उसके खिलाफ हो चुका होता है। और जब मदर के पूछने पर वो उसे ये बताता है कि खूनी चाँद का उदय होने के बाद भी जब ब्रदर ब्लड यहाँ पे नहीं आया है तो लोगों की उम्मीदें धूमिल होने लगी या खत्म होने लगी। तो मदर उसे चपा देते हुए बताती है कि तुम लोग डरे हुए हो, लेकिन उसने अभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है, और उसने अपने बेटे से मिलने के लिए एक बहुत ही लंबा सफर तय किया है जिसका उसे कोई भी अंदाजा नहीं है, और वो किसी कीमत पे अपने बेटे को घर पे ला के रहेगी। और फिर अपने तीनों मंत्रों को पढ़ते हुए पिछले एपिसोड के छोटे से सांप को एक पाइथन में तब्दील कर देती है। और इधर जब टीम ऑफ ब्रेंडर अपने बारे में बातचीत करने लगते हैं तो टीम की नज़र उस पाइथन पे पड़ जाती है, और जब टीम बिना सोचे समझे हुए उसे रोकने के लिए चला जाता है तो ब्रेंडन को ना चाहते हुए भी उसका साथ देने के लिए उसके साथ जाना पड़ता है। और थोड़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद उनकी मुलाकात पाइथन से हो जाती है। और फिर अपनी जान बचाने के बाद जब सभी लोगों को इस बारे में बताते हैं तो डिक मैजिक इन्वॉल्व होने की वजह से जिंक्स की राय जानने की कोशिश करता है, और वो उसे समझाते हुए बताती है कि अगर वो उस पाइथन को पकड़ कर ले आते हैं तो वो अपनी मैजिक का यूज करते हुए उसे फिर से छोटा बना सकती है। और हम इसी बातचीत के बीच ये भी देखते हैं कि कौन इन सारी बातों को जानने के बावजूद वहाँ पे पूरी तरह से अनजान बनकर खड़ा होता है। और फिर डिक जहाँ दो दो लोगों की टीम में बढ़कर पूरे स्टार लैब में ढूंढने का फैसला करता है, वहीं कॉनर को ऑर्डर देते उसे सेबेस्टियन के पिंजरे के पास भेजकर उसकी रखवाली करने को बोलता है।
और जब जिंक्स और गार्ड लोग उस पाइथन को ढूंढ रहे होते हैं, गार्ड लोग उसे अपने सपने के बारे में बताकर उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, तो जिंक्स उसे जवाब देते हुए बताती है कि उसने उस जगह की बहुत सारी अफवाहें सुनी कि वहाँ पे बहुत सारी ताकत और रहस्य दबे हुए हैं। तो गार उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इन आवाजों की वजह से या इन सपनों की वजह से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ और उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वो जगह उसे क्यों दिख रही है और वो उससे क्या चाहती है। तो जिंक्स उसे टिप्स देते हुए बताती है कि ये सारी चीजें सिर्फ बोरिंग लोग करते हैं और उसे क्यों नहीं दिख रहा है कि उसे ये देखने की शक्ति मिली है और कभी कभी किसी चीज को ढूंढने के लिए पूरी तरह से ब्लाइंड होकर उसके अंदर घुसना पड़ता है और तभी गार लोगों को वहां पे पाइथन का पहला शिकार दिखता है। और इधर जब कौन आगे जा रहा होता है तो उसका घाव फिर से खुलने लगता है और फिर वो पाइथन उसके पास पहुंचकर उसके पेट के अंदर घुस जाता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मदर में उसको अपने बस में कर लेती है। और जब इधर दोनों टाइटस के मर्चेंडाइज को खेल रही होती है तो कॉर्नर वहां पे दस्तक देते रेचल से ये बताता है कि डिक ने उसे यहां पे भेजा है और वो बाहर जाकर कुछ समय के लिए ब्रेक ले सकती है। तो रेचल अपने भाई से पूछने के बाद उसके लिए चिप्स लेने के लिए चली जाती है। और इधर जब कोरी डिक से टैमरन प्रॉपर्टी के बारे में या बुक की प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत करते हुए जब सेबेसन को मारने को बोलती है तो डिक उसे समझाते हुए और मना करते हुए बताता है कि वो लोग रेचल के साथ इससे भी बुरा झेल चुके हैं और सेबेसन के साथ भी वो लोग वैसा ही करेंगे। और तभी रेचल वहाँ पे चिप्स लेने के लिए वहाँ पे पहुँच जाती है। और जब टिक रेचल से बातचीत करता है तो उसे कॉर्नर के बारे में शक हो जाता है। और ठीक दूसरी तरफ जब कॉर्नर सेबेस्टियन से बातचीत करते उसे स्टार लैब से बाहर ले जा रहा होता है तो सेबेस्टियन को उसके बिहेवियर से शक हो जाता है। और जब कॉर्नर को मना करते हुए सभी का वेट करने को या पिंजे में वापस जाने को बोलता है तो कॉर्नर उसे जवाब देता है कि सभी लोग उसका वेट कर रहे हैं। और जब मदर मैम उसको मैनिपुलेट करते हुए अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही होती तभी वहाँ पर डिक और कोरी पहुँच जाते हैं। और जब डिक उससे जाने की कोशिश करता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो कॉर्नर उसे अपने रास्ते से हटने को बोलता है, लेकिन जब डिक उसकी बात को नहीं मानता है तो और फिर इस हादसे के बाद जहाँ कोरी रेचल के साथ उसे अपने दोस्त के पास ले जाने लगती है वहीं दूसरी तरफ डिक कॉर्नर को पकड़कर उससे बातचीत करने लग जाता है। और जब उससे बातचीत करते हुए आवाजें सुनाई देने लगती हैं तो डिक जैसे ही उसकी टी शर्ट को उठाता है उसे पता चलता है कि वो सांप कॉर्नर के पेट के अंदर है। और जब डिक जिंक्स की हेल्प मांगता है तो वो उसे बताती है कि वो इस क्रेजी स्नेक थ्योरी के बारे में कुछ भी नहीं जानती है और अगर उसका मैजिक गलत पड़ जाता है तो वो लोग कॉर्नर को खो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें ये चीज करनी है तो उन्हें ब्लू एस की जरूरत पड़ेगी और फिर वो बाबा यागा की तरह ही जॉन कॉन्स्टेंटाइन के मैजिक को यूज कर सकती है। और जब डिक उसे ऐसा करने को बोलता है तो जिंक्स उसे समझाते हुए बताती है कि वो सांप बाहर नहीं बल्कि कॉर्नर के पेट के अंदर है। तो डिक टॉर्चर हॉर्स का जिक्र करते हुए उन्हें समझाता है कि उन्हें एक ऐसे छोटे आदमी की जरूरत पड़ेगी या एक ऐसी छोटी चीज की जरूरत पड़ेगी जो कॉर्नर के पेट के अंदर जा सकता हो। तो गार लोग इस बात को जानने के बाद अपने आप को सामने रख देता है और उसे समझाते हुए बताता है कि वो एक वायरस बनकर उसके शरीर के अंदर जा सकता है। तो बिनार्ड आकर उन्हें समझाता है कि गार वायरस जींस के एस को एक कैरियर एजेंट की तरह इस्तेमाल करते उसके शरीर के अंदर घुस सकता है और फिर उस सांप को इन्फेक्ट करने के बाद उसका काम तमाम कर सकता है। लेकिन बिनार्ड उन्हें ये भी बताता है कि इस प्रोसेस की वजह से गार की जान भी जा सकती है। तो डिक इस बात को जानने के बाद जब गार को समझाने की कोशिश करता है तो गार उसकी बात को ना मानते कॉर्नर को बचाने का फैसला करता है और फिर गार के वायरस के साथ एस को कनेक्ट करने के बाद वो लोग गार वायरस को कॉर्नर के बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। और फिर थोड़ी देर तक शांति रहने के बाद या कॉर्नर को तकलीफ देते उसे खत्म कर डालता है। और जब कॉर्नर के वाइटल्स नॉर्मल होने लगते हैं तो उसके मुंह से वो सांप निकलकर
और इधर जब कोरी रेचल और सेबेस्टियन के साथ उस डाइनर में पहुंचते हैं तो कोरी को वो डाइनर पहचाना सा लगता है और जब म्यूजिक बॉक्स के बटनों को यूज करती है तो वहां के लोग गायब होने के साथ ही वो अपने दोस्त के पास पहुंच जाती है और जब कोरिएंडर उससे पूछती है कि आखिर उसने यहाँ पे क्यों बुलाया है तो वो उसे बताती है कि उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। और इधर जब मदर मैम और जीना सेबेस्टियन को खोजने की कोशिश करते हैं तो उसके दूसरे वर्ल्ड में होने की वजह से वो लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं या उनका स्पेल काम नहीं करता है। और फिर उनका आदमी आकर उन्हें बताता है कि उन्हें सेबेस्टियन के बारे में मालूम चल चुका है लेकिन वो लोग वहां पर कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। और इधर जिटीरा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसकी सील उन्हें यहाँ पर बहुत देर तक रोक नहीं पाएगी और वो चाहे जितनी भी ताकत इस्तेमाल कर ले वो उसको रोक नहीं सकती है। और इधर मदर मैम सेबेस्टियन को ना ढूंढ पाने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और खून से भरे हुए गड्ढे के पास पहुँच कर या ट्राइगोन से बातचीत करते उससे मदद मांगने लगती है। और हम सीजन 2 में देख चुके हैं कि रेचल ने अपनी पावर यूज करके उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया था और इसी वजह से देखते हैं कि ट्राइगोन उससे बुलबुलों के रूप में बातचीत करता है और उसे समझाते हुए बताता है कि उसे वहां तक पहुंचने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज या अपने दोस्त को कुर्बान करना पड़ेगा। तो मदर उसके पास पहुँच कर जब उसे इस बारे में बताती है तो जीना बीते दिनों को याद करने के बाद अपने आप को कुर्बान करने के राजी हो जाती है और फिर मदर उसको गले लगाते उसका काम तमाम कर देती है। और इधर जहाँ दोनों भाई बहन एक दूसरे से बातचीत करते हुए खाने का मजा ले रहे होते हैं वही जिडेरा उससे बातचीत करते हुए ये समझाने की कोशिश करती है कि जब ऑर्डर और केओस पे केओस जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ऑर्डर को भी अपना दायरा बढ़ाना पड़ता है। और फिर खंजर उठाकर जब सेबेस्टियन पे हमला करने की कोशिश करती है तो कोरी अपने पावर का यूज करते उस हमले को रोक देती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने भले ही रेचल को रोक दिया है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाएगी और उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो ट्राइगोन से मर्ज करने के बाद इस दुनिया को अंत की तरफ ले जाएगा। और फिर बेल को बजाकर उसे एक ऐसे अल्टरनेट वर्जन में ले जाती है जहाँ पर उसकी डिक से शादी हो चुकी है और सभी टाइटस मिलकर उसकी बेटी का बर्थडे मना रहे हैं। लेकिन जब कोरी इस मंजर को देखने के बाद उसका सर चकराने लगता है तो सभी के सभी लोग गायब हो जाते हैं। और बेसिकली जिडेरा यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि अगर वो सेबेस्टियन को मार डालती है तो उसका फ्यूचर कैसा हो सकता है लेकिन अगर वो सेबेस्टियन को छोड़ देती है तो उसके केओस की वजह से वो सारी चीजें खत्म हो सकती हैं जिनसे वो प्यार करती है। और फिर उसके होश में आने के बाद उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसका जन्म सेबेस्टियन को बचाने के लिए नहीं हुआ बल्कि उसे मारने के लिए हुआ। तो कोरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया तो जिडेरा उसे बताती है कि उसने अभी तक कुछ नहीं किया लेकिन ब्लड मून उनके सर पे खड़ा है और अगर उसने उसको नहीं मारा तो उसकी किस्मत परवान चढ़ेगी। और क्या वो अपने सारे दोस्तों को खोना चाहती है? क्या वो पूरे इंटायर वर्ल्ड को उस होल में डुबाना चाहती है क्योंकि उसे एक अजनबी को डिफेंड करना है। और जब कोरी अपने पावर को सम्मन करने लगती है तो सेबेस्टियन के पूछने पर और रेचल के मना करने पर वो उसे जवाब देती है कि उसकी पास्ट लाइफ एक झूठ पे टिकी हुई थी और वो अब उसकी बातों पे क्यों भरोसा करेगी। और फिर अपने पावर को खत्म करने के बाद सेबेस्टियन को बताती है कि वो उसको हर्ट नहीं करने वाली है। और जिडेरा को यहाँ से जाने को बोलती है तो जिडेरा उसे वार्निंग देते हुए जैसे ही वहाँ से गायब होती मदर मैम वहाँ पे दस्तक दे देती है। और जब कोरी पे भारी पड़ते हुए उसका काम तमाम करने वाली होती है सेबेस्टियन अपने आप को आगे कर लेता है और फिर अपने बहन से गुड बाय करने के बाद उसके तीनों वर्ड को पूरा कर देता है। और फिर उसके वर्ड पूरा होने के साथ या उनके गायब होने के साथ वो लोग उस डाइनर के टेबल पे बैठे होते हैं। और इधर हम देखते हैं कि ब्रेंडन और टीम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और कॉमिक बुक की तरह टीम को यहाँ पे गे दिखाया गया है। और फिर प्यार भरे पल बिताने के बाद ब्रेंडन उन लोगों को बताता है कि कॉर्नर पूरी तरह से ठीक हो चुका है और फिर सभी मिलकर गार लोगों की वापसी का इंतजार करने लगते हैं या बेसिकली उस वायरस को निकाल कर उन्होंने एक टब में शिफ्ट कर दिया है। और फिर गार लोगन टब में थोड़ी बहुत हलचल करने के बाद वापस आ जाता है। That was
wild ride. और इधर जब बंदर में सेबेस्टियन को अपने टेंपल में ले जाती है तो वो लोग उसे देखकर ब्रदर ब्लड की चैंटिंग करने लगते हैं और सेबेस्टियन अपनी जिंदगी में पहली बार इतना ज्यादा अटेंशन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तीनों शब्दों को पुकारने की वजह से वो लगभग ब्रदर ब्लड बन चुका है। और उसके इस खतरनाक हंसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।